पहाड़गंज में है गूगल, क्या बात है, आज पता चला। तो ठीक है, सूरजनगर में है एप्पल और पहाड़गंज में है गूगल, और ये पहाड़गंज और सूरजनगर यहाँ अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में। बेसिकली जा रहा हूँ यहाँ से फिनिक्स से सैन फ्रांसिस्को, लेकिन वहाँ दो दिन ठहरने के बाद में वापस इंडिया आना है। थैंक्स अलॉट अन्वेषा और जनाब शंकु आपको भी। सैन फ्रांसिस्को ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। सरप्राइज़ ये है कि इन जनाब से आप पहले मिले हुए हैं, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उनके अराइवल को, और वो रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आगे अब मिलवाता हूँ मैं। अभी मास्क उतारेंगे तब आपको पहचान शायद आप पाएंगे, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा। ये हैं जनाब विनायक। कैसे हो? बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। अरे वापस वेलकम टू कैलिफोर्निया। अब आपको देखना होगा वो वाला वीडियो जो बॉस्टन से न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन जिन्होंने मुझे पहली लिफ्ट दी थी, मैं लिंक शेयर करूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सुबह के 6:55 हो रहे हैं, 6:55 यानी 7 बज गए हैं, और मैं पहुंच गया उसी जगह पर जहां पर कल मैं लिफ्ट मांग रहा था। आज मौसम ठंडा है, बादल है, और फोरकास्ट में लिखा था कि 10-11 बजे के आसपास बारिश हो सकती है। कल शाम को मैंने ये बहुत सारी चीज़ें और लिख ली थी ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने और शायद थोड़ा लोग दिलचस्पी लें। सिर्फ NYC लिखा हुआ था मैंने, तो मैंने ऑन वर्ल्ड ट्रिप भी लिख दिया। One of my friends was driving. Uh-huh. And he actually told me he saw yesterday night. And he told me, like, you know, you're going to New York, you should look out to the guy. That's why immediately. Thanks a lot. Thank you very much. बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये है जनाब विनायक। Hello, hi, everyone. और वापस 3 साल के बाद मिल रहे हैं, अराउंड अप्रॉक्स। या 2018-2021, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। चलो वेलकम बैक टू USA। थैंक यू। फर्स्ट टाइम होगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम, और मैं सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे उतरते ही आई वाज सो स्ट्रक, ये क्या एयरपोर्ट है ये। और मैंने बोला वीडियो पर कि ये मेरे लिए शायद नंबर 1 एयरपोर्ट है, इतना सुंदर एयरपोर्ट है ये। आई हैवंट बीन टू सिंगापुर वाला चांगी एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मुझे सिर्फ फिलहाल मैं अभी उस खुशी में हूँ कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे वो फर्स्ट राइड था, आप अनएक्सपेक्टेडली आ गए थे, यहाँ पे भी आपने अनएक्सपेक्टेड ही आपने अराइव किया मेरे इनबॉक्स में कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या ये वही कार है? ठीक है समझ में आ रहा है मेरे को थोड़ा सा।
पर ही मैंने देखा था एक एच ओ वी लेन थी और टू एंड मोर था 60. ग्रेट, ये यहाँ की लोकल बसेस हैं. हाँ ओके, तो आई थिंक म्यूनी कहते हैं उसको. क्या बोलते हैं? म्यूनी, एम यू एन आई. एम यू एन आई, ओके ओके. दिस इज द बस. थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रही है मगर देखने में बड़ी सुंदर है. आई थिंक इलेक्ट्रिक है शायद. हाँ हाइब्रिड है बेसिकली. सो आई थिंक कॉम्बिनेशन है. बेसिकली नॉर्थ में सैन फ्रांसिस्को है और नीचे सैन होस है. अच्छा. और ये जो पूरा बेल्ट है, लाइक पूरा बेल्ट में लोग रहते हैं, लेकिन सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहीं पर पूरे बेल्ट में. सैन होसे से सैन फ्रांसिस्को तक. अच्छा ओके. ये काफ़ी अपहिल है. हाँ हाँ पूरा. आई थिंक एस एफ पूरा. आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे हिल्स हैं. तो बहुत देखने के लिए मिलेगा कि आप ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं. और मतलब चढ़ाई भी काफी ज्यादा है. हाँ हाँ बहुत स्टीप है, काफी चैलेंजिंग है. इनफैक्ट आई थिंक यहाँ लाइसेंस चाहिए तो फिर पैरेलल पार्किंग स्लोप पे करना होगा. एंड देन काफी चैलेंजिंग है इस जगह पे रिवर्स पैरेलल पार्किंग करना. एंड देन आप देख सकते हैं कि टायर का पोजीशन भी है. अच्छा हाँ, टेढ़ा करके रखा. हाँ तो अगर बाई चांस पीछे अगर जाती है तो अगर जाएगा तो इट शुड गो द कर्व. मैंने अभी तक बॉलीवुड की फिल्मों में ही सैन फ्रांसिस्को को देखा था. सही. अब आई एम रियली हैप्पी. अब मैंने यूएस के बहुत सारे शहर अब मैं देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा शहर मैंने नहीं देखा अभी तक. थोड़ा अलग है. अगर मुझे कोई पट्टी बांध के यहाँ पर उतार दे पहली बार अगर मैं देखता तो मैं यकीन नहीं करता कि यूएस है. थोड़ा यूरोपियन और स्पैनिश स्पैनिश इन्फ्लुएंस है. अरे दिख रहा है. हाँ दिख रहा है अभी. धीरे धीरे दिख रहा है. गोल्डन पार्क के सामने जाएंगे. आई थिंक द मोस्ट फोटोग्राफ्ड ब्रिज है वो वर्ल्ड का. बहुत पॉपुलर दिख रहा है. मुझसे लोग पूछते हैं कि किसी कंट्री में रहना हो तो कहाँ, तो यूएस तो बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं था मेरे लिस्ट में. लेकिन सैन फ्रांसिस्को को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह अच्छी है. बेसिकली अगर आपको नेचर पसंद है तो फिर ये यूएस में तो टॉप स्पॉट है. लोग बोलते हैं सिएटल भी अच्छा है. हाँ अच्छा. पता नहीं बट फॉर श्योर आई थिंक एसएफ एरिया बहुत सीन है. अच्छा. यहाँ से डाउनटाउन बिल्कुल साफ दिख रहा है. उस तरफ ये पार्क है सैन फ्रांसिस्को, सॉरी गोल्डन गेट ब्रिज का सारा. और वो बीच में ये पैसिफिक ओशन है ना. ये पैसिफिक ओशन समुद्र के बीच में एक प्रिजन, नाम है अल्कैट्राज. और उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि बड़े जो वैसे हमारे अपने अंडमान निकोबार होते थे जैसे काला पानी बोलते थे, ये काला पानी तो नहीं होता, खैर बहुत ज़्यादा ही दूर था हमारे इंडियन मेन लैंड से, लेकिन यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था एक टाइम पर और बिल्कुल पानी के बीच में था तो इम्पॉसिबल था ऑलमोस्ट कैदियों का भाग पाना. बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं लेकिन अभी ये प्रिजन बंद हो गया है. अभी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन. अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन. ऊपर चलना है नीचे चलना है? नीचे ही चलते हैं एक बार. या फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे. हाँ बट ऊपर भी आई थिंक वो अलग स्पॉट है, ब्रिज के स्टार्टिंग में नहीं है. बट अलग सेफ है वैसे क्योंकि बाइकिंग रूट है तो कोई ऐसा नहीं है पेडेस्ट्रियंस और. अच्छा मतलब ये ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं है. हाँ नहीं कार्स के लिए. कार आ रही है. ओके ये बट ये जाता है वैसे. अच्छा पर वो वाला दूसरा रूट लेना. अच्छा वो सामने से भी आ रही है पर हम सेफ है ना. सेफ है मतलब. हाँ ठंड है हल्की सी हवा में. ये एसएफ का फिनोमिनन है बेसिकली. अच्छा बट एसएफ में दो तीन ईयर ऐसे ही विंटर रहेगा. सच में? हाँ ये तो बहुत प्यारा मौसम है. हाँ हाँ फुल ईयर. वाओ तो समर में भी थोड़ा ठंड रहेगा, थोड़ा चिल फैक्टर रहेगा. एंड समर में भी यही इतना ही. हाँ इतना है बेसिकली. उसका वेरिएशन बहुत कम है. आई थिंक अच्छा कि 10 to 25 बोल दीजिए. 10 to 25 के अंदर ही होगा फुल ईयर पूरे साल. अरे हाँ. ये तो बहुत गजब है. बारिश भी होती है यहाँ? हाँ बारिश होता है बट मुझे लगता है सैन फ्रांसिस्को बेस्ट है. हाँ. ये मौसम आपने जो बताया ना रेंज, ये बहुत अच्छा है. बस वही थोड़ा रियल इस्टेट अब किराए पर अगर रहना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, महंगा होगा. मुश्किल तो खैर. राइट राइट. आई थिंक साउथ बे और बेटर है वेदर के लिए. अच्छा वहाँ पे सनी रहता है. वहाँ पे वो भी नहीं है. और वहाँ शायद इंडियंस भी ज्यादा है ना.
साउथ बे में कुछ एरियाज में, मतलब एक साउथ इंडियन एक चेन है, आई डोंट नो आप जानते होंगे सरवणा भवन। हां हां बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब विद इन 15 मिनट्स ड्राइव तीन रेस्टोरेंट वहां पे। ओहो अच्छा अच्छा। अभी तक थोड़ी देर पहले तक नीला आसमान था, अब थोड़े बादल आने लगे हैं। और विनायक भाई बता रहे थे कि ये इत्तेफाक है कि इस वक्त मौसम साफ है, वरना वहाँ शंकु भाई यही वो भी यही कह रहे थे कि मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ गोल्डन ब्रिज देखने के लिए तब यहाँ पर फॉग है, क्लाउड्स हैं, दूसरा एंड कभी दिखता ही नहीं था, आज दिख रहा है। बड़ी हैरानी है, वो बता रहे हैं कि क्या 10 डेज में कभी एक एक दिन एक दो बार ही होगा, एक दो बार ही क्लियर होगा। और आज मैं तो पहली बार आया हूँ। आपको आपके फ्रेंड को बता दीजिए कि देखिए। सही बात है। और सच में मेरा मन था ये US में एक दो चीज़ें देखने का काफ़ी पहले से। एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुझे देखने का बहुत मन था जो मैंने पिछले ट्रिप में देखा, और गोल्डन गेट ब्रिज देखने का मन था। पता नहीं था कि इसको गोल्डन गेट ब्रिज बोलते हैं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद लव आजकल जब आई थी तो सैफ अली खान का जो रोल था उसमें याद नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो था इससे जुड़ा हुआ। उसको देखा तो मुझे लगा यार ये तो देखने लायक चीज़ है, तब पता चल गया था इसका नाम गोल्डन गेट ब्रिज है। आज फाइनली यहाँ पर लोग वहाँ पर वो सर्फिंग बोलते हैं ना उसको, सर्फिंग कर रहे हैं। सबने वेट सूट पहना हुआ है। ओके ऐसे ही हम लोग गप्पे मारते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे की कल क्या करना है, आज क्या करना है और परसों क्या करना है, और उसके बाद मेरी फ्लाइट है, खाना क्या खाना है वगैरह वगैरह। फिर क्योंकि कल हमें जाना है योसेमिटी, जिसको मैं योसमाइट बोलता था, फिर यहाँ लोगों ने बताया कि योसमाइट नहीं, वो योसेमिटी भी बोलते हैं। लेकिन जयेश जी बता रहे थे, जयेश जी एक्चुअली गुजरात से हैं। ओके तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे गुजराती उसको यशोमती बोलते हैं, और एक और है नवीन जी हैं, एक वो लॉस एंजलिस से, शायद वो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि हम वहाँ चलेंगे, लॉस एंजलिस आ जाना, यशोमती जाएंगे। यशोमती कहाँ पर है? फिर उन्होंने कहा कि हम गुजराती लोग उसको यशोमती भी बोलते हैं। देन विनायक भाई बता रहे हैं कुछ और, क्या बता रहे थे आप बताइए। कि साउथ बे में इतने सारे इंडियंस हैं कि एक जगह है उसका नाम है सनीवेल। सनीवेल तो उसको सूरज नगर बोलते हैं, मतलब सही में बोलते हैं क्या सूरज नगर? ऑफिशियली नहीं बोलते होंगे। इंडियंस मजाक में हाँ सूरज नगर। अच्छा। और एक और जगह है उसका नाम है माउंटेन व्यू। और ये कहाँ पर है? ये थोड़ा ऊपर नॉर्थ है, सनीवेल मतलब यहीं पर है। अच्छा, साउथ बे में ही है। हाँ तो उसको पहाड़गंज बोलते हैं। माउंटेन व्यू को पहाड़गंज और सनीवेल को सूरज नगर। गूगल का हेडक्वार्टर वहीं पे माउंटेन व्यू पे। ओ अच्छा 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 अच्छा, पहाड़गंज में है गूगल, क्या बात है, आज पता चला। सनीवेल के पास एक जगह है क्यूपर्टिनो, एप्पल का वहाँ पे, तो एप्पल भी खुल गया। कहाँ? पहाड़गंज में, सूरज नगर में के पास। तो ठीक है, सूरज नगर में है एप्पल और पहाड़गंज में है गूगल। ये नए ऑफिस खुले हैं इनके, और ये पहाड़गंज और सूरज नगर यहाँ अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में।